उत्तराखंड में बागी बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं, लिहाजा बागियों को मनाने के लिए दोनों दल एक ही रणनीति पर काम कर रहे हैं। कुछ लोगों को संगठन में अच्छे पदों का भरोसा दिया जा रहा है तो कुछ को सत्ता में आने पर बड़ा पद देने का भी वादा। इसके साथ ही दलों की कोशिश बागियों से अंडर लेवल डील करने की भी है। दरअसल दोनों पार्टियों की चिंता यह है कि 2012 के विधानसभा चुनाव में राज्य की कुल 70 सीटों में 22 सीटों पर हार का आंकड़ा 2000 वोटों से भी कम था। कुल 39 सीटों पर हार का अंतर 5000 मतों तक सिमट गया था। ऐसे में साफ है कि अगर ये बागी 2 से 5 हजार मतों तक भी पहुंचे तो भाजपा कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकते हैं। और चलिए अब आपको चलते चलते एक तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश के फेमस टूरिस्ट प्लेस कुफरी की है। यहाँ बर्फबारी का आनंद लेने के लिए कुछ मुसीबत में फंस गए हैं। तो तस्वीरें देख सकते हैं। दरअसल यहाँ भारी बर्फबारी के बाद रोड बंद हो गई है और सड़कों के किनारे सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं और टूरिस्ट परेशान हैं। यहाँ पे बर्फ तो काफी है, रोड के ऊपर भी है, जिसके कारण स्लिपरी हो रही है। तो वैसे तो यहाँ के पुलिस वाले काफी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं हमारे साथ, सभी के साथ। तो उसके साथ हम सभी को दिक्कत नहीं आ रही। देखो आगे फिर वो हेल्प कर रहे हैं हमारी, तो हाँ ट्रैफिक बहुत है, ट्रैफिक तो काफी ज्यादा है। दिक्कत सर बहुत ज्यादा है, 1 किलोमीटर में भी हमको 1 घंटे ज्यादा लग चुका है। ट्रैफिक बहुत ज्यादा है और बहुत धीरे क्लियर हो रहा है। हम घूमने आए हैं पर हम पूरा एंजॉय नहीं ले पा रहे हैं, पर एटलीस्ट बर्फ देख के हम बहुत खुश है। ट्रैफिक तो है।